कौन बोल रही है? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत 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 आशीष दे दी सभी, हैप्पी न्यू ईयर प्रभु का शुक्रिया। डॉली सिस्टर आवाज आ रही है जी? सब ठीक है जी? ठीक है, परमेश्वर को प्रभु साथ है, चिंता मत करो, प्रभु साथ है जी। सिस्टर थैंक यू सो मच। और सभी लोगों ने प्रार्थना की जी? जी जी भैया, जी भैया जी, हाँ किए हैं। अगर मैं तो बहुत सब मैं प्रभु को बोला, प्रभु को बुलाया, स्वागत किया। हाँ हाँ जी जी, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जोर इसलिए बज रहा है क्योंकि हवा मतलब बाहर कर रही होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या बजा रहे हैं? अच्छा अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत बहुत शुक्रिया खुदा का आज के दिन के लिए, बहुत अच्छा लगा। हम छोटी सी फैमिली, प्रभु ने कितनी प्यारी फैमिली हमें दी है, इतने भूखे रात को भी चालू हो गए लाइट मीट चलाना, जब भी तो तृप्त की जाएंगे। भैया हेलो हेलो, हाँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ भैया, मैं रोमिक महांती, काजल काजल का हस्बैंड। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी लोगों की तरफ से भी आपको और आपकी फैमिली को बहुत 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 नए साल की शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपके होने वाले बच्चे को ब्लेस करे। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम थैंकफुल टू यू भैया, आई एम थैंकफुल टू एवरीवन इन द कलेशिया टू विशिंग मी माय अपकमिंग चाइल्ड इन दिस न्यू ईयर अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी जॉयफुल न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स टू लॉर्ड। प्रभु का ही धन्यवाद। I'm thankful to Jesus Christ for blessing me and my family and everyone in the Kalashia and my wife, everyone. Praise the Lord. Prabhu ka bahut shukriya. Thank you so much. Thank you. Prabhu ka bahut bahut shukriya. Aap logo ne sabhi ne prarthna kar li hai? Ji, ki hai. Ji, bhaiya. Okay. Yes, bhaiya. Ji, ki hai. Very good. Ji, brother. Sabhi ne invite kiya? Yes, brother. किसी की तरफ से शोर आ रहा था हल्का सा, किसी को प्रभु ने कोई वचन दिया? हाँ जी भाई, मुझे दिया। वो मेरे घर में एक कैलेंडर टंगा था तो मैं वेट कर रही थी कि प्रभु कौन सा वचन देंगे, तो मैं सोची बाइबल खोलती हूँ, तो जस्ट वो वचन पे मेरी नजर गई। उसमें लिखा था धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, भजन संहिता। वो कैलेंडर पे मेरी अचानक से नजर चली गई, तो आपने बोला था ना कि कहीं से भी वचन आएगा देखना, या तो कोई भेजेगा या कहीं पे, तो वो भजन संहिता 34:17 में लिखा है वो, तो मेरी अचानक से वो कैलेंडर पे नजर गई, उसमें प्रभु का वचन लिखा हुआ है। प्रभु ने अभी मुझसे भी बात किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और अभी क्या कहते हैं, हाँ एक सेकेंड, जो वचन प्रभु ने मुझे दिया उस बारे में प्रार्थना, मतलब प्रार्थना नहीं, ऐसी मैं मेरी वाइफ से बात ही कर रहा था, मतलब हाँ छोटी शायद मैं भी प्रेयर ही थी, ऐसे ही बोला था बस प्रभु से, और ऐसे ही नॉर्मल बोल ही रहा था, तो प्रभु ने इतना खतरनाक वचन दिया मुझे और बहुत खतरनाक भविष्यवाणी है। इसके प्रकाशन कई है लेकिन अभी इसके उसको मैंने नॉर्मली बस ऐसे सिंपल ऊपर से अभी नॉर्मली पढ़ा है, लेकिन उसको अच्छे से बैठकर जब मैं प्रभु के साथ बैठने की पूरी कोशिश करूंगा, पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो प्रभु बहुत कुछ बताएगा। लेकिन इतना मैं जान चुका हूँ शैतान की बड़ी खतरनाक वाली छुट्टी होने वाली है। प्रभु ने कहा है मुझसे कि मेरे दाहिने हाथ बैठ कि जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाओं की चौकी ना कर दूं, और मेरा बैरी कोई मनुष्य नहीं है, मेरा बैरी तो बस वही है जिसने मेरे बाप की आंखों में आंसू लाए हैं, वो शैतान, उसकी तो छुट्टी होने वाली है बड़ी गंदी तरीके से। और मैं थोड़ी देर पहले जब 2022 की शुरुआत होने से पहले यही बोल रहा था प्रभु से कि प्रभु कुछ डिफरेंट, मतलब बहुत खतरनाक कुछ, बहुत युद्ध को लेकर ही बहुत कुछ बोला था प्रभु से। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने प्यारा वचन दिया।
हाँ, और मेरी वाइफ से प्रभु ने बात, पढ़ने से पहले परमेश्वर ने बात कर ली थी। हाँ, मेरी वाइफ को जैसे वचन पढ़ने से पहले ही प्रभु की आत्मा ने बात की। भजन संहिता 30:5 से प्रभु ने बात करी। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमेन। मैं बताना चाहती हूँ, जब मैंने बाइबल खोली तो प्रभु ने मुझसे बात की, रोमियो उसका 16 अध्याय और उसकी 20 आयत, कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचला। बड़ी तगड़ी वाली छुट्टी होने वाली है शैतान की तो। मैं तो बहुत आनंदित हूँ। एक ये है, एक यूहन्ना का 1:3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम भी देते हैं, तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सहभागिता और सहभागी होने का मतलब है जिस अनंत मिरास के सहभागी प्रभु के वो ब्लेसिंग्स, मतलब प्रभु के वो लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उस मिरास के सहभागी आप भी हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दो वचन, अभी एक वचन और दिया प्रभु ने पुराने नियम में से, वो बुलाने को लेकर है, और अभी और अच्छे से पढ़ना है। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से नॉर्मली प्रेयर चल रहा था मेरा, थोड़ा लेट हो गया भैया। एक वचन मुझे भी मिला है। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हो गया। हेलो। हो गया। हेलो ब्रदर। ये परमेश्वर की, ये एक सेकंड, ये जो वचन प्रभु ने आपको दिया है ना मेरे भाई मेरी बहनों, सभी ध्यान रखना, जो जो परमेश्वर का वचन आपको मिला है, या जिस जिसको नहीं भी मिला है तो उसको मिलने जा रहा है। प्रभु जरूर देगा, एक ना एक प्रतिज्ञा जरूर देता है, लेकिन जिसको जो प्रतिज्ञा मिली है उस प्रतिज्ञा को लेकर प्रभु का धन्यवाद करना, और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है उसको परमेश्वर पूरा जरूर करेगा। आमीन। ब्रदर मुझे भी एक वचन दिया है। हाँ जी। हेलो। हेलो ब्रदर, मेरे को एक वचन दिया है, पहला पत्र। हेलो ब्रदर। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी, बात चिंता ना करो विशाल भाई, बोलो। हाँ, पहला पत्र 5:6-7, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैंने इससे ये सीखा कि परमेश्वर के, यीशु मसीह के बलवंत हाथ के नीचे हमें रहना है, और मतलब ताकि वो उचित समय पर अपन को मतलब बढ़ाएगा। और अपनी सारी चिंता, मैंने अपनी शारीरिक, पूरी मानसिक और पूरी आत्मिक सारी समस्या मैंने उसी पर डाल दी है, वही मेरी सारा ध्यान वही रखेगा मेरा। हाँ बिल्कुल, यही मतलब है, और इसमें कुछ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी प्रभु कह रहा है। हाँ, मेरे को यही वचन, तभी मैं खुशी से अंदर से एक फीलिंग आई लाइक बेटर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु बहुत आशीष दे आपको इस वचन के द्वारा। प्रभु ने देखो आपसे बात करी है। हाँ, मैंने पहला स्थान देखो सीधे जैसे 12 बजे ना मैं गया किचन में, मैंने बोली यहाँ पर नाना सो रहे, मैं किचन में गया, मैंने कम से कम 10 मिनट मैंने प्रभु को दिए पहले, मैंने बोला और प्रभु को 10 मिनट बाद ही मैं उठा, कम से कम 12:10 हुए तभी। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहला स्थान, पहला पेड़ा, और अपना जिंदगी का पहला स्थान, पहली आशीष, पहला शब्द, पहली जुबान, पहली छोटी सी प्रार्थना पिता को दी। बहुत बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा, क्योंकि परमेश्वर को पहला चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। अगर किसी को मौका मिले, एक बात कहना चाहता हूँ, जो चीज प्रभु ने हमें सिखाई अपनी आत्मा से, अपने अभिषेकों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा, हमारे अगो के द्वारा भी, और अगर हम पुराने समय, पुराने नियम के देखें, जैसे ही अब मैं सिस्टम चालू कराता हूँ, मतलब मैंने 11 बजे के, 11:30 बजे के आसपास सिस्टम चालू कराता, तो प्रभु ने उसमें दिखाया था एक, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेनबो, एक रेनबो बना हुआ था, मतलब एक धनुष बना हुआ था कलरफुल, है ना, वो कलरफुल जो बारिश आने के बाद होता है ना, वो धनुष सा बना हुआ था। तो परमेश्वर ने उसके रिगार्डिंग बात करी, ऐसा कब हुआ था, मूसा के समय में हुआ, सॉरी नूहा के समय में हुआ था। तो प्रभु ने उस वाचा के द्वारा एक बात याद दिलाई, देख मैं इस पृथ्वी को फिर से नाश, जल प्रलय से नाश ना करूंगा,
और ये मेरी वाचा का एक चिन्ह होगा। और फिर उस बात को लेकर नूहा ने एक वेदी बनाई परमेश्वर की, और परमेश्वर की वेदी बनाने के बाद प्रभु का धन्यवाद किया। और यहोवा यही चाहता है आपसे और मुझसे, हमें भी करना है और आपको भी करना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, कमिटमेंट हमें किसी को नहीं करनी है, ठीक है। प्रभु रुपया नहीं देखता है, प्रभु हमारे हृदय को देखता है, ध्यान से समझना। पता है क्या नोहा ने क्या किया, एक परमेश्वर की वेदी बनाई, और वेदी बनाने के बाद उन्होंने प्रभु को बलिदान किया, एक परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। उनकी भेंट को स्वीकार क्यों किया, क्योंकि ध्यान से समझना, देखो परमेश्वर ने इतने बड़े महाप्रलय से उनको बचाया, वो टोटल 8 लोग ही थे उस जल प्रलय में बचने वाले, तो उसने उस बात का धन्यवाद किया। देखो 2020 और 2021 हमारे लिए कितना बड़ा खतरनाक मोमेंट था, लेकिन खुदावन हमें 2020 22 सॉरी 2020 से बचाया, 2021 में बचाया। कितनी खतरनाक लहर आई थी आपको मालूम है, लोगों की मृत्यु के बहाने बने थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मृत्यु के फंदे से बचाया। और आज 2022 में हम पहुंचे तो खुदा चाहता है कि हम धन्यवाद के साथ उसके भवन में, फाटकों में प्रवेश करें, धन्यवाद की भेंट अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी है प्रभु को, ठीक है। आप जिस भी चर्च में जाते हो वहां पर थैंक्स गिविंग के रूप में कुछ भी देने की कोशिश करना, कमिटमेंट मत करना कि हाँ मैं करूंगा, अगर नहीं कर पा रही कोई दिक्कत नहीं, आप दिल से अगर प्रार्थना भी करोगे धन्यवाद प्रभु मैं जैसा भी, तो मुझे ग्रहण कर, तो प्रभु आपको भी ग्रहण करेगा। लेकिन थैंक्स गिविंग के रूप में जो भी आपको लग रहा है आप जो कर सकते हो, जैसे एज एन एग्जाम्पल, ऐसे कोई आप फ्रूट ले गए 1 किलो 2 किलो, जैसे भी आपको लग रहा है, चाहे हजारों हजार किलो, चाहे आपने 1 रुपया दिया, चाहे 1 लाख दिया, चाहे आप चाहे कुछ थोड़े से रसगुल्ले लेकर गए, थैंक्स गिविंग की प्रभु ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरी सांसों को, मेरे शरीर को सही सलामत सुरक्षित रखा, इस बात के विषय में प्रभु को धन्यवाद की भेंट ये मैं देने आई हूँ, ये देने आया हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है, ये आशीष पाने के तरीके हैं, प्रभु में बढ़ने के तरीके हैं, प्रभु की आज्ञा के पालन करने के तरीके हैं, ये भी एक भक्ति का तरीका है। क्योंकि लिखा है मैं बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता, मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ठीक है। तो हम इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे और रात वर्शिप में चलेंगे, छोटी सी वर्शिप करेंगे, एक सेकेंड रुकिए, छोटी सी वर्शिप करने के बाद हम फिर छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑफ करेंगे ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। एक सेकेंड रुकते हैं अभी हम। तो आइए प्रार्थना उसमें प्रार्थना में चलेंगे, फिर वर्शिप की जाएगी, ठीक है, फिर लास्ट में एक और लास्ट प्रेयर की जाएगी सभी के लिए, है ना, छोटी सी प्रार्थना, क्योंकि हम सबने मेन प्रार्थना कर ली है, फिर भी अगर किसी ने नहीं करी है तो अभी यहाँ पर नॉर्मली प्रेयर करेंगे अभी हम लोग। प्रभु यीशु मसीह पिता, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में, हम सभी लोगों की जिंदगी में, हम सभी भाई बहनों की जिंदगी में, हम सब तेरे बच्चों की जिंदगी में, हे अब्राहम के पिता, हे यहोवा, हे इब्राहिम के परमेश्वर, इजहाक के परमेश्वर, याकूब परमेश्वर, हे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में, आइए हमारी जिंदगी में, आइए हमारे मन विचार शरीर प्राण और आत्मा में, आइए धन्यवाद करते हैं। जो भी आराधना भी की जाएगी प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करने पाए, दिल से शुक्रगुजार करने पाए कि आज तेरी दया है कि आज हम मर नहीं गई, आपकी महा करुणा का फल है, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम से, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, एक मन एक आत्मा होकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए एक वर्शिप में चलेंगे, चलो गाने की कोशिश करेंगे प्रभु का। हाँ सभी छोटा सा हो सके तो अंगीकार करना, अगर नहीं कर पा रहे, अगर कोई ऐसी वैसी जगह पे बैठे हो आप लोग तो कोई बात नहीं, हल्के हल्के होठ चलाने की कोशिश करना, ठीक है। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की ये रात शुभ रात,
आओ हम चले प्यार से प्रभु शुरू प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए हर बात है मेरा सुनो वही दिन रात है मेरा सुकून उसकी हर बात है मेरा जुनून वही दिन रात है मेरा सुकून प्यार मैं उसके गैरों ने भी अपनापन पाया प्यार मैं उसके गैरों ने भी अपनापन पाया मेरा हर दिन नया दिन है मेरी हर रात नई रात आओ हम कहें प्यार से शुरू प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए धन्यवाद करते हैं पिता थैंक यू सो मच लॉर्ड इस छोटी सी आराधना के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु ने आज हम सबको जीवितों की जमीन पर रखा अब एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे प्रभु की दासी गुंजन के साथ चलेंगे प्रभु के बच्चे के साथ नहीं इसमें से करते वो माइक का थोड़ा सा वो ना प्रार्थना में चलेंगे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रभु यीशु के नाम से पिता धन्यवाद देते आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपने जीवितों की जमीन पे रखा पिता 2022 में पिता आपने प्रवेश कराया पिता धन्यवाद देते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु सच में इस नया नया साल पिता सबके लिए मुबारक ठहरने पाए पिता आशीष से भरा साल हो पिता परमेश्वर जिसमें तेरे गुणों को प्रकट करने का साल होने पाए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता आज का ये दिन आज का ये साल पिता बहुत मुबारक ठहरने पाए ब्लेसफुल होने पाए पिता परमेश्वर बहुत ब्लेस्ड होने पाए पिता हर एक जन खुद भी आशीष पाए हर एक जन के लिए आशीष का कारण बने पाए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर ना तो मेरी बल से होगा ना तो मेरी बुद्धि से होगा उन्होंने आपकी आत्मा के द्वारा हर एक जन को जो आपने आशीषित कर दिया पिता परमेश्वर वो नजर आएगा नजर आएगा नजर आएगा पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर सच हम इस योग्य तो नहीं थे कि इस नए साल में प्रवेश करने पाए पिता आपने कोविड की सेकंड वेव से ही हम सबको बचाया खुदा हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा प्रतिदिन हमारे द्वारा हम में से होने पाएगी पिता हम धन्यवाद देते धन्यवाद देते पिता धन्यवाद देते लोग तो दुनियावी लोग दुनियावी आनंद मना रहे पिता पर तूने कहा है कि मसीह में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो हर एक जन में आनंदित हो पिता परमेश्वर और शैतान के सर को कुचलने पाए कन्फर्मेशन देने के लिए शैतान हमारे पैरों के नीचे आने वाला और आ चुका है वरन हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सच में ये साल पिता ये साल ऐसा हो कि हम तेरी सच्ची बेटा बनके सच्ची बेटी के रूप में खड़े होने पाए सच्चे सेवक के रूप में खड़े होने पाए और इस साल के अंदर मैं घोषणा करती हूँ पिता बहुत से प्रॉफिट बहुत से इवेंजेलिस्ट बहुत से टीचर टीचर पास्टर्स लोग खड़े होने पाएंगे ये लाइव गूगल मीट से जुड़े पिता वो लोग खड़े होने पाएंगे जैसे भविष्यवाणी अपने कराई वो तो की सेवा उठने पर है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता आयोजन की अनॉइंटिंग करने के लिए अपने मस्से से भरने के लिए अपने दुगने रुके मस्से से भजन सबको भरने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर लॉन्ग लाइफ से दीर्घायु से सबको तृप्त करती हूँ रिलीज करती हूँ पिता हर कोई एक ही गिनती घटने ना पाए साल सबके लिए बहुत मुबारक ठहरने पाए मुबारक 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 ठहरे पिता परमेश्वर और किसी बलिवस्तु की कोई कमी घटी ना हो इस साल जिसमें
प्रत्येक जाति को उधार देने वाले बनेंगे इस दिन से बेटा और अब तक जब तक हम जीवित है दूसरों को देने वाले बनेंगे बेटा, लेने वाले नहीं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती बेटा परमेश्वर सच पिता। लाइव गूगल मील से जुड़े जुड़े हर एक जन को पिता बहुत ऐसा आशीषित करना पिता परमेश्वर। एक भी आपको नाश ना होने पाए हमें बुद्धि ज्ञान पूछे मेरे हस्बैंड को पिता बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा देना पिता। यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है तो हमें तो क्षमा करना और सबको तो क्षमा करना पिता परमेश्वर। पिता नए गुंडे आटे की तरह आपने प्रवेश कराया, धन्यवाद देते हैं। तुझे जो आराधना के बीच में 12 बजे से पहले जो वचन मुझे दिया पिता, कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद होगा सच में पिता परमेश्वर। सवेरे सच में आनंद आने वाला बेटा, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आज से बेटा उनका आनंद प्रफुल्लित होंगे, प्रफुल्लित होंगे पिता। हर एक जन पिता में धन्यवाद देती हूँ। हमारे रसकुंड तो चेन्नई दाक में उमड़ने पाएगा, उमड़ने पाएगा पिता। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सबको चैनल में शाम की मीठी नींद देने के लिए धन्यवाद देते हैं। दिल की गहराई से फिर हम धन्यवाद देते हैं पिता। ये आपकी बहुत 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 बड़े वाला ग्रेस है पिता, 2022 में हम प्रवेश करने पाए। आपने अपने अनुग्रह से पिता हमें प्रवेश कराया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अच्छी गवाहियों के साथ ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ हर एक जन खड़ा होगा पिता, मैं विश्वास करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता। ये ना तो मेरी बल से ना तो मेरी बुद्धि से, धन्यवाद आपकी आत्मा के द्वारा होगा। और जो जो बेटे पिता तो बेटी धन्यवाद की भेंट जब तेरे भवनों में जाते हैं पिता, आज जो जो भेंट देते हैं पिता तू स्वीकार करना, स्वीकार करना पिता परमेश्वर। करो तो हम तो तुझे क्या दे पिता, हमसे धन्यवाद दे सकते हैं पिता, क्योंकि अपने जो हमें संभाला है पिता, हमारी एक एक सांस की रक्षा करिए, हमारे घर परिवार वालों की रक्षा करिए। हमारे धन्यवाद का शब्द भी बहुत छोटा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तुझमें निरंतर आगे बढ़ने पाए हर एक जन पिता, हम धन्यवाद देते। अपने पुत्र को हर एक जन के अंदर जिला देने के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आज से पिता घोषणा करती हूँ हर एक जन सरगर्म होने पाएगा, सरगर्म होगा पिता। किसी वाली वस्तु की कोई कमी घटी किसी को होने नहीं पाएगी पिता, मैं विश्वास करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता। सारी बातों में आप ही को महिमा देती, महिमा देती पिता। सबको लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करने के लिए, मीठी नींद देने के लिए, सुबह का सूरज दिखाने का अनुग्रह करने के लिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। सारी बातों में आप ही को महिमा देते हैं। अब तक संभाला, आगे भी आप संभालेंगे, धन्यवाद देते। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। जो तेरे बच्चों ने जो फेथफुलनेस दिखाई है तो आत्मा में डाल रहा है, फेथफुलनेस जो दिखाई है तो रात को मिला तो रात को पिता ये निरंतर तैयार है पिता। ये पैरों के रूप में जो पिता काम कर रहे हैं परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। एक एक रूह बचा ली जाए पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। एक एक जड़ पे आपका पवित्र सामर्थ्य लहू को मैं लगा देती हूँ पिता परमेश्वर, लहू को लगा देती हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से पिता। यदि सामर्थ को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से पिता। आज से जीवन ट्रांसफॉर्म जो हो चुके हैं वो नजर आएंगे, हालात बदल चुके हैं वो नजर आने पाएंगे, बंद मुंह खुलने पाएंगे। हर एक जन का आज से बंद मुंह खुल जाए, गवाहियों के लिए, वचनों के लिए बंद मुंह, आराधना के लिए बंद मुंह खुल जाएंगे यीशु के नाम से। ऐसा होगा मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आप ही को मैं बताती हूँ। आज घोषणा करती हूँ लाइव गूगल मीट के अंदर ग्रुप में बड़ी बड़ी गवाहियां आने पाएंगी, बड़ी बड़ी ग्रेट टेस्टिमनीज आएंगी, टेस्टिमनीज आएंगी आज से। मैं घोषणा करती हूँ इस बात की, और ऐसा ही होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ऐसा होगा, मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। अब तक जो शैतान ने हमारा चुरा लिया था 2021 तक भी, तो लेकर जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर के जाएगा, वरन उस घर का भी खाली कर लिया जाएगा यीशु के नाम से। चोर को मनुष्य नहीं वरन वो शैतान है। हमारा प्रेम, प्यार, आनंद, शांति, कृपा, हमारे मेरे लोगों की सारी आशीषें जो शैतान ने चुरा ली थी 2021 में, मैं 7 गुना पे छीनती हूँ, छीनती हूँ और सबके जन्म में रिलीज कर देती हूँ यीशु के नाम से। खोल देती हूँ, खोल देती हूँ, अपने लिए मैं ग्रहण करती हूँ। जो चुराया था वो 7 गुना वापस आएगा, और चोर का भी, उसे सारा घर का भी धन भी तो आपने हमें दे दिया। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और वो नजर आएगा। उमड़ती हुई आशीषें नजर आएंगी आज से, मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगी, बहुत से लोगों के जीवन में इवन हर एक जो विश्वास कर रहा है, उन्होंने कहा मैंने ना कहा था विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। मैंने ना कहा था कि पहले जब जीवन में मिरेकल किया तो मैं आज भी करने की सामर्थ रखता हूँ, जो काम मैं पहले करता था वरना आज भी करने की सामर्थ रखता हूँ यीशु के नाम से पिता। मैं विश्वास करती हूँ उमड़ने वाली आशीष है, वो भरपूरी की आशीष आज से मेरे लोगों के जीवन में नजर आएंगी। लाइव गूगल मीट के जुड़े हुए हर एक जन के जीवन में नजर आएंगी पिता, मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जो जो विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में अभी से आपने काम करना शुरू कर दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। कटोरा उमड़ेगा जैसा कि दिखा रहे परमेश्वर आप, मुझे नहीं पता क्या है, कोई गोल्डन कलर का जो कटोरा है, कोई कटोरा है, कटोरा है, उसमें उमड़ रही है आशीषें, उमड़ती हुई दिख रही है, पहाड़ गिर रही है, मुझे नहीं पता क्या है, पर परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ
हमारा कटोरा उमड़ रहा है, उमड़ रहा है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू जीसस। उमड़ने वाली आशीषें ये साल के अंदर बहुत भरपूरी से, जो विश्वास करेंगे केवल परमेश्वर कह रहे हैं उनके लिए, उनके लिए, जो हल्के में ले रहे हैं उनके लिए नहीं, जो विश्वास कर रहे हैं वो उमड़ने वाली आशीषों को लाइफ के हर एक एरिया में उमड़ने वाली आशीषों को देखेंगे यीशु के सामर्थी 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 नाम से पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। दुआ को मांगते पिता, जैसे सुने और ग्रहण करे, मेरी मांगने से ज्यादा सबकी सोचों से बढ़कर आपने दे दिया, रिलीज कर दिया, लेकिन लाइफ में धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। दुआ को मांगते पिता, जैसे सुने और ग्रहण करे, आमेन 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 आमीन गवाही है, एक गवाही है, गवाही अचानक आत्मा में आई है तो गवाही देना मन में आ रहा है कि दो गवाही ये है कि अभी 12 बजने से पहले मतलब नया साल लगने से पहले ही ना गुंजन और मैं हम दोनों बात कर रहे थे धन्यवाद की भेंट को लेकर, और जैसे ही 12 बज गए वैसे ही हमारा अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ा दिया प्रभु ने। सिर्फ प्रभु के भवन के लिए धन्यवाद करना सोचा ही उससे पहले ही प्रभु ने हमें ब्लेस कर दिया। देखो प्रभु कितना महान है और भला है। सिर्फ हमने प्रभु के भवन में धन्यवाद की भेंट देने के लिए सोचा ही था, सिर्फ सोचा ही था कि प्रभु हम देना चाहते हैं, हमारी इच्छा है तो दया कर अनुग्रह कर, लेकिन प्रभु ने अभी बैठे बैठे बेड पे सोचा ही था और बेड पे देखो परमेश्वर ने बैठे बैठे ही बेड पर ब्लेस कर दिया। और 12 बजते ही साथ ही 12 बजे के बाद, हाँ 12 बजे के बाद करा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर सोचों पर भी आशीष देता है, वो कर्जदार नहीं है। और दूसरा, अगर किसी ने आत्मिक हथियार नहीं पहने हैं तो आत्मिक हथियार पहन लेना, ठीक है, यीशु के लहू को लगा लेना अपने ऊपर और आत्मिक हथियार पहन कर ही सोना, ठीक है। तो सबको फिर से एक बार और हैप्पी न्यू ईयर, सभी सभी अपनी वीडियोस दिखाएं एक बार। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मेरी बहन, हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर ग्रैंड सिस्टर, हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, तुम्हें कुछ कहना है? हैप्पी न्यू ईयर, जब हम प्रेयर कर रहे थे ना, मेरे मन में एक चीज बार बार आ रही थी कि मैं भी छोटी सी प्रेयर करूँ आप लोगों के लिए। मन में आ रहा था कि प्रभु जी आप गुड़िया को और गुंजन सिस्टर को बहुत आशीष दे आप लोगों को, और आप जो चाहते हो आपको सब मिले प्रभु जी, आपको सब दे, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं प्रभु जी वो सबको दी करें प्रभु यीशु के नाम से, मैं मांगती हूँ प्रभु जी आपकी सारी बातें पूरी करें प्रभु जी। भैया प्रार्थना कर रहे थे भैया, मैंने प्रार्थना कर रही थी उसके बाद मैंने फिर आंख बंद करके बैठी 15-20 मिनट, तो मुझे बादलों में ना कुछ मतलब बादल एक घिरा हुआ एक साथ और उसमें कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के मुझे कुछ नजर आया है, और फिर कुछ देर बाद मैंने आपको देखा अपने क्योंकि आप मेरे सामने नजर आए, आपके चेहरे मेरे सामने नजर आया, ये क्या था भैया? सबसे पहले प्रभु रीतिका बहन को बहुत आशीष दे प्रभु, जो तेरी बेटी ने हमारे लिए आशीष खोली, इससे कई गुना मल्टीप्लाई करके आप उनको वापस लौटाएंगे, हम बहुत ऐसे इनको दिल से ब्लेस करते हैं, सभी को दिल से ब्लेस करते हैं। तो तेरे सभी बच्चों ने जो हमारे लिए दुआएं किए, प्रार्थनाएं किए, चाहे एक शब्द भी बोला, खुदा तो कर्जा ने तुमको याद करना अपने नाम के निमित्त, सबको आशीष मिले यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में बहुत आशीष दे, सच में बहुत 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 आशीष दे, सच में प्रार्थनाओं की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है, सच में प्रार्थना ही जो आगे लेके जा रही है, अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये हर एक जन का सपोर्ट है जिससे लाइव गूगल मीट आगे बढ़ रहा है और हर एक जन आशीष पा रहा है, सच में सब आपकी प्रार्थनाओं का असर है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है, प्रभु सबको बहुत आशीष दे, सच में रितिका सिस्टर और हर एक जन को परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुंह खोला हमारे लिए, हमारे लिए प्रार्थनाएं करी, प्रभु बहुत ब्लेस करे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, ये गवाही है रितिका बहन, सच में बता रहा हूँ ये परमेश्वर की ओर से गवाही है, और मैं मन में था कि मतलब बोलू, मैं मेरे मन में था कि मैं आप लोगों से बोलूं, लेकिन ये बात मेरे मन में ही रह गई, लेकिन यहोवा मनों को जांचता है, लेकिन प्रभु ने अपनी बेटी के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, अपने सारे बच्चों के द्वारा जो दो चार शब्द बोलवाए, दो चार नहीं वो जिंदगी को बदलने वाले शब्द, मैं विश्वास से उनको ग्रहण करता हूँ मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, हमारे लाइफ के लिए, कि सच में परमेश्वर हम उन सबकी जिंदगी में अपनी महिमा के लिए काम करेगा और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, भले ही मैंने नहीं बोला लेकिन खुदा ने इनके मन में डाल दिया,
आप लोगों के मन में डाल दिया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने हमारी प्रार्थनाएं की हैं और सच में प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी की जिंदगी में प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। बढ़कर ब्लेसिंग आप सभी के जिंदगी में खोल देते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए कोई दुआएं करे, मुंह खोल खोल के। और मैं जब भी परमेश्वर के पवित्र वचन सुनती थी ना, तब से आप लोगों के लिए विश करती थी। जब भी सुनती थी कोई चीज बहुत अच्छी लगती थी, मन को छूती थी कि प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं तभी विश करती थी। मैं जो भी भैया है बहुत खुश रहे, अच्छे रहे, अच्छा हुआ कि प्रभु ने आपसे मिलाया। जैसे मिलाया प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआएं हैं, आप सभी लोगों ने दुआएं की, तभी तो हम परमेश्वर की दया से प्रभु को बहुत आपस में। मेरी ना जो 5 महीने से मैं रेगुलर मतलब प्रार्थना में थी ना कि मेरे हस्बैंड मुझे फोन करे, जैसे 2021 हुआ तो मैंने पवित्र आत्मा की मदद मांगी और उनको मैसेज डाला, तो आगे से मेरे 3 बार मुझे वीडियो कॉल करी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के महान नाम की स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू खुदा ने जोड़ा, आपको बहुत बड़ा शुक्रिया। देखो मेरी बहन, आप जो के प्रभु ने काम किया धन्यवाद। लेकिन फिर से ब्लॉक मारता है, कोई बात नहीं, मेरे को प्रभु ने उत्तर तो दिया ना। उत्तर मिला, शुरुआत हुई ना, प्रभु काम करेगा। बस बोलेंगे तो समझ में आएगा। एक सेकंड, दीपा सिस्टर कुछ बोलना चाहती है, पहले उनकी सुन लेते हैं। दीपा सिस्टर कुछ भैया, मैं रोज आपकी पूरे फैमिली को मैं प्रार्थना में रखती हूँ। जब से गुंजन सिस्टर एक्सपेक्ट कर रही थी उससे पहले से मैं आपको ब्लेस करती आ रही हूँ। प्रभु सबको आशीष दे, आपको हमेशा मैं दुआ में रखती हूँ। और आज छोटी सी दुआ जो मैं करती हूँ, आपको पूरे परिवार को, आपको फैमिली पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिले और आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके जैसे दास और दासियां मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपको बहुत बहुत आगे बढ़ाए, बहुत आय से आपको बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। आप लोग दास दासी धन्यवाद। प्रार्थना में बैठे थे तो कभी सोच भी नहीं सकती थी जब आप लोग का दर्शन मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे मुझे दर्शन दिए, जिस तरह से मुस्ता को ने परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसी तरह मैं आप लोग को दर्शन देके मैं खुशी हो गई। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं थैंक यू सिस्टर को, परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत और एली को भी आशीष से। मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग जो आंसू हमारे लिए बहाते हो, घुटने टेक टेक कर जितनी देर तक आप लोग प्रार्थना करते हो, जो समय आप एली को भी नहीं देते, हमारे लिए इतनी दुआ इतनी प्रार्थना करते हो प्रभु। बहुत ऐसे आपको ब्लेस करिए। नया साल जितना आशीष आपने हमारे लिए खोला है ना, उससे बहुत ऐसे दुगुना चौगुना आपको ब्लेस करेगा। बहुत ब्लेस करे जितना टाइम आप लोग हमारे लिए देते हो, इट इज रियली वेरी ग्रेटफुल। मैं सोचती हूँ कितना टाइम है जो आप लोग हमारे लिए इतना टाइम देते हो, इट इज वंडरफुल वंडरफुल थिंग आप दोनों आप लोग कर रहे हो हमारे लिए। तो सबको जय मसीह की, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु की दया नहीं तो हम कुछ भी नहीं। सारी महिमा प्रभु को मिले, सारा क्रेडिट क्या बोलते हैं वो सब क्या सब कुछ, सारी महिमा प्रभु को मिले। सब कुछ करने वाला प्रभु है, प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस। विकास भाई कुछ बोल रहे थे आप, बहुत आशीष बोल रहा था। तो आप बहुत आशीष थे मेरे भाई और बहनों जी। एक मिनट विकास ब्रदर, आप इनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सिस्टर, प्रियांशु सिस्टर बोलिए। भैया हम प्रार्थना में बैठे थे आंख बंद करके, तो हम दो दो प्रभु को क्यों देखे भैया? एक दो एक प्रभु थे तो उनको हाथ छेदा हुआ था और उसके हाथों में पूरा लहू लगे था, तो हम अपने पति के लिए अपने बहुत रो रहे थे, वो ठीक नहीं थे। तो मेरे पति को सर पर हाथ एक रखे, एक बुजुर्ग पूरे केस उस पका हुआ था, उनको दाढ़ी पका हुआ था भैया, वो आकर के बैठ गए, हमारे आंसू भी पोछे और हंसने लगे। क्या है भैया ये बहुत खुशनसीब ही है, नसीब नहीं ये बहुत बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं चाहता हूँ ऐसा मेरे साथ भी हो। मतलब क्या, जैसे कि प्रभु ने आपको दिखाया
कि यीशु मसीह को आपने देखा और पिता को देखा, पिता ने आपके आंसू को पोछा। जिनकी दाढ़ी पकी हुई है वो कोई और नहीं, वो बाप है हमारा, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ इस गवाही को मैं अपने लिए ग्रहण करता हूँ। ये भविष्यवाणी का आत्मा बनेगी कि मैं अपने पिता से मिल पाऊंगा। आमेन। और मेरे यीशु के साथ भी आमेन। और हम सदा सर्वदा प्रभु में महिमा में वास करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह कुछ काम करता है तो क्या वो कुछ काम अधूरा छोड़ता है, हाँ या ना? इस बात का जवाब तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो जब उसने आपके आंसू पोछे है ना, एक बार के लिए नहीं, सदा के लिए उसने आपके आंसू पोछ दिए हैं। इस बात को ध्यान रखना। वो मतलब प्रभु आए थे तो खड़े हो गए, खड़े रहने रह गए। तो जब मेरे पति को सर पर हाथ रखे तो हम बोले कि प्रभु जी हमारे सब बाल बच्चे के लिए गले आप लगाइए। तो लगाए उसके बाद से, और एक आए बुजुर्ग पूरा दाढ़ी उड़ी पका था, वो आकर के बैठ गए। था मेरे पति भी हंसते वहां पर बैठे, बैठ करके बोलते है कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है। परमेश्वर ने आपके पूरे परिवार को छुआ है, पूरे परिवार के जिंदगी में एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा उद्धार आने वाला है, वो शुरुआत हो चुकी है आपसे। प्रभु का धन्यवाद हो। विशाल भाई के पापा जी को भी जो टोपा पहन रखा, जिन्होंने हरे रखा, प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे। हमारे बूढ़े बुजुर्गों का हाथ हम सफल बना रहे हैं। अच्छा दादाजी है, इनके जीवन के वर्ष अधिक हो। हम सभी के बूढ़े बुजुर्गों को भी प्रभु बहुत संभाल कर रखे, सभी के जीवन के वर्ष अधिक हो, भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे, और कोई दुख कोई विपत्ति इनके डेरे के निकट ना आए। प्रभु इनको हम दिल से आशीष देते हैं, ये बूढ़े होकर भी लहलहाते रहें और कोई बीमारी कोई महामारी मार रोग इनको छूने ना पाए। ये भले चंगे रहें प्रभु, इनकी आंखों के सब आंसू पोंछ दिए जाएं, ये आशीष पाए और उद्धार पाए और आपकी महिमा का कारण बने। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सारी महिमा यीशु पिता को मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन। सभी बुजुर्गों को आशीष मिले। हाँ तो अब विकास ब्रदर आप बोलिए, फिर हम शॉर्ट में जल्दी से करके, क्योंकि लोगों को सोना है, टाइम बहुत हो रहा है ना। सबको जाने से परिदलन में तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक ही बात बोलने जा रहा हूँ। बीते हुए साल में ब्रदर सांकी के द्वारा परमेश्वर और सिस्टर गुंजन बहन के द्वारा परमेश्वर ने जो भी कुछ भविष्यवाणी किया था मतलब बहुत सारी पूरा हो गया और पूरा होने जा रहा है। इसके मेरे लिए परमेश्वर पूरा कर दिया बहुत कुछ और पूरा होने जा रहा है। तो परमेश्वर को मैं थैंक यू जानता हूँ और परमेश्वर का दास एवं दासी को भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नेसल मुबारक हो। और मैं एक मिनट के लिए सबका पास मैं ये चाहूंगा जो एक मिनट के लिए मैं अब्राहम का संतान होने के नाते मैं एक मिनट के लिए सबका सामने मेरा रिक्वेस्ट है, आंख बंद कर लो, मैं एक छोटा सा अभिषेक खोलना चाहता हूँ प्लीज। Yes. और 20 बार पूर्वक रिसीव करेगा तो जरूर पूरा होगा। सूर्य अगले दिन जो सूर्य जो परमेश्वर बनाया, जो 6:30 उठ के संसार को उजाला उजाला करने जा रहा है, तो वो उठने से पहले परमेश्वर वो अभिषेक दे देगा, मैं विश्वास करता हूँ। और वो विश्वास मेरे अंदर ब्रदर गुंजन अरे ब्रदर शांति बेटे के द्वारा और सिस्टर गुंजन भाभी के द्वारा मेरे अंदर पैदा किया है परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, में आपको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यहोवा परमेश्वर मेरे स्वामी, आपने बोला है संसार को आपने बनाया रचा भी है परमेश्वर। संसार में हर एक भाई बहन पिता आपका बेटा बेटी है, यस पिता। और पिता साथ ही साथ पिता अपने सबसे भविष्य दे के भरा था पिता परमेश्वर अब्राहम को, क्योंकि अब्राहम पिता का दिल का करीब था परमेश्वर। आपने अब्राहम को बोला था हे अब्राहम तू हमेशा मेरे उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं तू मेरे को भाग्य है, तेरे को मैं संसार का हर एक चीज तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तू मेरे दिल को भाग्य है, तू मेरे हमेशा उपस्थिति में चल। और मैं एक अब्राहम का बेटा होने करना पिता, मैं आज नए साल में पिता बस छोटा सा पिता अभिषेक खोलने जा रहा हूँ हर एक भाई बहन के लिए और मैं अपने लिए। यीशु नासरत के नाम से पवित्र आत्मा का सहायता लेके ब्लड ऑफ जीसस के नाम से हर एक भाई बहन का ऊपर अभी के अभी अब्राहम का जो वरदान जो आपने दिया वो वरदान को अब्राहम का ओर से हर एक भाई बहन को यू आर ब्लेस कर देता हूँ यीशु के नाम से। बी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, यू आर ब्लेस पिता। और पिता परमेश्वर अगले दिन एक नया शुरुआत होने जा रहा है हर एक भाई बहन के लिए। जो भी कुछ होगा पिता बोल के नहीं होने वाला है, सब अचानक होगा।
और सब खुशी से आके पिता इसी गुरु में साक्षी देगा और हर एक संतान सुन के आनंद उठाएगा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता तेरे दास एवं दासी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहोवा परमेश्वर। और दास दासी को और दास दासी का बीज में जो पिता छोटा सा बेटी को रखा एलिना को पिता मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे तीनों बेटे बेटा बेटी के लिए मैं पिता लॉन्ग जीवी से सबसे बड़ा अभिषेक लॉन्ग जीवी से ब्लेस करता हूँ। और पिता जो आपने सोच के रखा वो हमेशा हमेशा के लिए इस बेटे के ऊपर पिता पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अमेन अमेन और अमेन। सबको जय मसीह की प्रजा और कुछ नहीं। अमेन अमेन। जी में प्रभु को मिले हमसे जिंदगी में खोले काम करे। भैया दो मिनट में बोल सकता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट मीटिंग में जब भी प्रभु चाहे मिलेंगे। ठीक है।